अलवर न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कीम 10वीं में खुशी नमकीन की फैक्ट्री और भटियारों की गली में जीतू नमकीन के गोदाम पहुंची, जहां टीम ने जीतू नमकीन के गोदाम को सील किया, वहीं खुशी नमकीन के सैंपल लिए। सैंपल की जांच आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट का अभियान जारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कीम 10वीं में खुशी नमकीन की फैक्ट्री से नमकीन के सैंपल लिए। वहीं टीम अलवर शहर में भटियारों की गली में जीतू नमकीन के गोदाम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। वहां बिना मार्का बिना तारीख के नमकीन पैकिंग मिली। इस पूरे गोदाम में मशीन को सील कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर हेमंत यादव व रोशन लाल ने बताया कि सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची। भटियारों की गली में जीतू नमकीन बिना किसी तारीख व मार्का तैयारी होती मिली। करीब 200 किलो नमकीन खुली मिली और 100 किलो नमकीन पैकिंग में मिली है। पूरा माल जब्त कर लिया, वहीं गोदाम को सील कर दिया। इसके अलावा नमकीन का सैंपल भी लिया गया है। यहां सब बिना मंजूरी के काम हो रहा था, अब इसका लाइसेंस चेक किया जाएगा। अवैध रूप से काम करने पर लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। यहां आने पर पता चला है कि करीब 2 महीने से नमकीन बनाने का काम यहां शुरू हुआ था, लेकिन नियम के अनुसार नहीं मिला। पैकिंग पर मार्का व एक्सपायरी डेट तक नहीं मिली, इसका कारण तुरंत सील कर दिया गया। आज दिनांक 7/5/2024 वार मंगलवार को हमें शिकायत मिली थी कि भटियारी वालों के पास जीतू नमकीन बिना मार्कों के बिना लेबल के उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होते हुए इस तरह का माल मार्केट में बेच रहा है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत करी, उसके तहत डॉक्टर योगेंद्र शर्मा सीएमएचओ अलवर के दिशा निर्देश अनुसार हमने यहाँ पे कार्रवाई करी है। मौके पे जो न्यूज़ मिली थी वो पुख्ता पाई गई। देखा गया कि जितना भी माल यहाँ बना हुआ था उस पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी और लेबल भी नहीं लगे हुए थे बिना मार्क का, तो सारे माल का हमने जब्त कर लिया है। उसका लीगल एक्ट में सैंपल ले लिया है, जो अभी जयपुर जाएगा प्रयोगशाला में। वहाँ जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना माल? माल करीब 200 किलो नमकीन है जो खुली हुई है और 100 किलो करीब पैक नमकीन है। गोदाम पूरा सीज कर दिया? हाँ, गोदाम हमने सीज कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी हमने सीज कर दी है, क्योंकि बिना लाइसेंस के ही काम कर रहा था। इस तरह के लिए हम एक इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करेंगे इनको, जो जो कमियां पाई गई हैं उसके तहत अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। हेमंत यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर, साथ में रोशन लाल जी थे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।